सितंबर में होगा कुछ ऐसा कि हर कोई बस देखता रह जाएगा। इन राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सितंबर माह। 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा ग्रहों का खेल। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। हमें सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं के लिए सितंबर महीने में तैयार हो जाना चाहिए। सितंबर महीना ज्योतिष की दृष्टि से साल 2020 का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सितंबर महीने में देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनिदेव, ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक कि ये वक्री अवस्था में हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन सितंबर महीने में ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह मार्गी हो जाएंगे, शुभ असर देना शुरू करेंगे। और यही नहीं, इसी सितंबर महीने में शुक्र ग्रह भी अपनी राशि बदल रहे हैं, बुध ग्रह भी अपनी राशि बदल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिष में जिन दो ग्रहों को सबसे क्रूर माना जाता है, पाप ग्रह माना जाता है, शैडो ग्रह माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है, वो ग्रह राहु और केतु सितंबर महीने में वो भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये जो विभिन्न ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो राशि परिवर्तन का, उसका देश दुनिया पर बहुत असर होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण असर होने वाला है। और सभी 12 राशियां ग्रहों के इस परिवर्तन से प्रभावित होंगी। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सितंबर महीने की शुरुआत ही ग्रहों की बड़ी हलचल से होगी। 1 सितंबर को शुक्राचार्य 2:02 पर चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 28 सितंबर को वह सूर्य की सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन सितंबर में 2 बार होने जा रहा है। यही नहीं, बुध ग्रह भी 2 सितंबर को 12:03 पर पहले अपनी उच्च कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 22 सितंबर को वह 4:55 पर शुक्र की तुला राशि में चले जाएंगे। यही नहीं, ग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल मंगल ग्रह भी 10 सितंबर को 3:50 पर अपनी ही मेष राशि में वक्री होकर के गोचर करने लगेंगे, यानी उल्टी चाल चलने लगेंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि शुक्र व बुध, इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से थोड़ी बहुत तो हलचल होगी, लेकिन असली हलचल शुरू होगी 13 सितंबर को, जब देवगुरु बृहस्पति 6:12 पर अपनी धनु राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। 23 सितंबर को जो पाप ग्रहों में शुमार हैं राहु व केतु, ये दोनों ग्रह अपनी अपनी राशियां बदलेंगे और इसे इस साल की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना माना जाएगा। राहु मिथुन राशि, जो उनकी अपनी उच्च राशि है, उससे वह अब शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करने जाएंगे और केतु बृहस्पति की धनु राशि से मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही नहीं, सितंबर महीने में ही 29 सितंबर को न्याय के देवता शनि 10:30 अपनी ही मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनि, इन दोनों ग्रहों के मार्गी होने का इंतजार ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के वक्री चाल चलने यानी उल्टी चाल चलने से कई राशियों के जातकों को मिलने वाले शुभ प्रभाव रुक गए थे, उनमें कमी आ गई थी, कई लोगों का भाग्य ठहर सा गया था और शुभ कार्यों में भी विलंब हो रहा था। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, इन दोनों ग्रहों के मार्गी होने के साथ साथ जो ज्योतिर्विद हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिर्विज्ञानी हैं, उनकी नज़रें राहु व केतु के राशि परिवर्तन पर भी टिकी हुई हैं। और ये राशि परिवर्तन सितंबर महीने में 23 तारीख को होने जा रहा है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष विज्ञान में सबसे रहस्यमयी माने जाने वाले राहु ग्रह 23 सितंबर को मिथुन राशि से वृषभ राशि में गोचर शुरू करेंगे और 12 अप्रैल 2022 तक वह इसी वृषभ राशि में रहने वाले हैं। इसी तरह केतु ग्रह भी
23 तारीख को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और वह 12 अप्रैल 2022 तक इसी राशि में रहेंगे। राहु व केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं और राशि चक्र में ये अपने से अगली राशि में जाने के बजाय पिछली राशि में गोचर करने लगते हैं। राहु व केतु इन दोनों ग्रहों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, ये छाया ग्रह हैं, ये सौर मंडल में विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते क्योंकि इनका कोई वास्तविक आकार नहीं है। राहु व केतु इन दोनों ग्रहों को रहस्यमयी और मायावी ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह जिस व्यक्ति पर मेहरबान होते हैं उसे मालामाल कर देते हैं और जिस व्यक्ति पर ये कुपित होते हैं उसे नकारात्मक फल, अशुभ फल प्रदान करते हैं, मानसिक परेशानी देते हैं, कई तरह के सुखों से वंचित कर देते हैं, आर्थिक हानि देते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो केतु की प्रवृत्ति है वो राहु से थोड़ा अलग है। केतु को मोक्ष का, अध्यात्म का, वैराग्य का कारक भी माना जाता है। केतु अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति की अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ा देता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सितंबर माह में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है और जिस तरह चार ग्रह राशि बदल रहे हैं, दो ग्रह मार्गी हो रहे हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह की हलचल देखने को मिलेगी, कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ देशों की सरहदों पर हलचल बढ़ेगी। भारत सहित दुनिया के कई बड़े देशों में आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, कुछ कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रियल स्टेट और आईटी क्षेत्र के लिए ये ग्रहों का परिवर्तन बहुत बढ़िया रहने वाला है। इन दोनों क्षेत्रों में फिर से उछाल आएगा। शैक्षणिक क्षेत्रों में भी बहुत सी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। ये भी बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रविरोधी तत्वों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, चिकित्सा जगत को भी कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है क्योंकि शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और औषधियों पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बता दूं कि सितंबर माह में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, जो विभिन्न ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं, दो महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं, उसका सभी 12 राशियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ेगा। 12 राशियाँ इस ग्रहों की हलचल से प्रभावित होने जा रही हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बता दूं कि जो मेष राशि वाले हैं उनके अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी, विदेशों से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर मेष राशि के लोग किसी निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निजी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वह बेहतर पैकेज पर कहीं और स्विच कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। मैं वृषभ राशि वालों के लिए बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य पक्ष में दिक्कत आ सकती है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, किसी को उधार देने से बचना होगा और साथ ही किसी की गवाही देने से भी बचना होगा। मिथुन राशि वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, उनके लंबे अरसे से जो अटके हुए काम थे वे सिरे चढ़ने लगेंगे, आमदनी के कई स्रोत खुलेंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंध शादी में भी तब्दील हो सकते हैं, संतान की किसी उपलब्धि पर घर में उल्लास का माहौल भी बनेगा। अब कर्क राशि के बारे में बताना चाहूँगा कि कर्क राशि वालों को मिले जुले फल प्राप्त होंगे, नया वाहन खरीदने के योग भी हैं, कुछ पेंडिंग कार्यों के सिरे चढ़ने से जहाँ प्रसन्नता हासिल होगी वहीं परिवार में किसी सदस्य के साथ विवाद भी हो सकता है जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है, कुछ मानसिक परेशानी भी हो सकती है, सावधान रहना होगा। अब रही सिंह राशि की बात, तो सिंह राशि वालों को आर्थिक लाभ मिलेंगे लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ सकती है, कार्यक्षेत्र में भी किसी से विवाद हो सकता है, लेकिन शुभ बात यह है कि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसका नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है, आपकी जीत हो सकती है। कन्या राशि वालों को अभी निवेश से बचना होगा, यानी लंबी अवधि की कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय माकूल नहीं है, किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाया गया पैसा डूब भी सकता है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है, यानी जो शादीशुदा दंपत्ति है घर में किलकारी भी गूंज सकती है। अब तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वालों का ग्रह गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है, लंबे अरसे के बाद आपको अच्छी खबरें मिलेंगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा, कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, जो बिजनेसमैन है उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, बिजनेस के नए एग्रीमेंट भी हो सकते हैं जो मुनाफा देंगे,
अब रही वृश्चिक राशि की बात, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, आमदनी के नए सोर्स खुल सकते हैं और पारिवारिक संपत्ति को लेकर किसी तरह के विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है, संतान की तरफ से भी कोई परेशानी आ सकती है। धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि पर शनि की साढ़े सती भी चल रही है और ये देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो मार्गी हो रहे हैं, इस राशि वाले लक्की रहेंगे। धनु राशि वालों के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो पाइप लाइन में चल रहे प्रोजेक्ट हैं, जो सोचे हुए प्रोजेक्ट हैं, वो सिरे चढ़ने लगेंगे और उनके सिरे चढ़ने का मार्ग लगातार प्रशस्त होता जाएगा। अब मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि वालों के लिए समय शुभ रहने वाला है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, प्रमोशन के चांस भी बन रहे हैं, समाज और कार्यक्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा, कोई महत्वपूर्ण दायित्व संभालना पड़ सकता है जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों पर भी भाग्य मेहरबान रहने वाला है, ग्रह मेहरबान रहने वाले हैं, भले ही कुछ शुरुआती अड़चनें आएंगी लेकिन उसके बाद जो सफलता की गाड़ी है वो सरपट दौड़ने लगेगी, व्यापार में मुनाफा होगा, कोई ऐसा कार्य भी बन जाएगा जिसके प्रति आप निराश हो गए थे, आपने हिम्मत छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी। और अब अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, विरोधी भी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे, विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे लेकिन स्वास्थ्य पक्ष का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है, थोड़ा सचेत रहना होगा। तो ये था सितंबर महीने में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, चार ग्रह राशि बदल रहे हैं, दो महत्वपूर्ण ग्रह मार्गी हो रहे हैं और 12 राशियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, देश दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, यानी सितंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से इस साल का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित होने वाला है। कुंडली टीवी के लिए आज की इस पोस्ट में इतना ही, गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।